हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी टावड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो लेक्चर्स में हम कॉर डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एग्नाथा और उसके क्लासिफिकेशन को देखा था। इस वीडियो में हम मैथोस्टोमाटा और उसके दो सुपर क्लासेस पिसेस और टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये वीडियो हाईलाइटेड होगा पिसेस की तरफ, क्योंकि अब पूरे टॉपिक इतना बड़ा है, पूरा टॉपिक उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। सो अपन फर्स्ट पिसेस के बारे में पढ़ेंगे, इनके कैरेक्टर्स को आज देखेंगे। नेक्स्ट फर्दर की क्लासिफिकेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो अपन का रहेगा पिसेस का, मतलब फिशेस, मछलियाँ, उनके बारे में हमें आज पढ़ना है कि इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। और कॉर्डेटर में ये मैथोस्टोमाटा में आते हैं, मतलब मैथोस्टोमाटा जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो हम अब सबसे ज़्यादा जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सो वी आर नॉट नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट पिसेस, ओके। इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। मतलब फिश, ऑल काइंड ऑफ फिश। अब जब फिश की बात करें तो बेसिकली एक्वेटिक होंगे ये। एक्वेटिक मतलब पानी में। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप में से किसी ने कमेंट सेक्शन में चेक करूंगा किसी ने आंसर दिया हो तो एक्वेटिक और मैराइन बेसिकली अंतर, जब एक्वेटिक अपन बोलते हैं ना तो उसमें मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों ही आ जाते हैं। मैराइन जब हम बोलेंगे तो वो समुद्री जीव होंगे, मतलब खारे पानी वाले जीव, और अगर फ्रेश वाटर बोलेंगे तो उसमें आएंगे मीठे पानी वाले जीव, ओके। सो अपन पिसेस की बात करते हैं, मछलियां। अब इसमें जो है सारी की सारी, इनको जो है ट्रू फिशेस बोला जाता है। ट्रू फिशेस आर इंक्लूड हियर। ओके, ट्रू फिशेस आर इंक्लूड हियर, यहां पे ट्रू फिशेस आएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इनकी जो स्टडी है, फिशेस की स्टडी, एक पर्टिकुलर क्लास होती है, पर्टिकुलर एक पूरा का पूरा सिस्टम है फिशेस की सिर्फ स्टडी करने को, जिसको अपन इक्थायोलॉजी बोलते हैं। सो स्टडी ऑफ फिशेस इज इक्थायोलॉजी। एंड जो पर्सन स्टडी करेगा, जो साइंटिस्ट होंगे वो इक्थायोलॉजिस्ट, ओके। सो स्टडी इज इक्थायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो आपने फिशेस की बॉडी देखी होगी, पूरा उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो कैसे होते हैं, बोट शेप्ड होते हैं, नाव की तरह। अब उनकी बॉडी नाव की तरह होना जरूरी भी है क्योंकि उन्हें पानी में तैरना है, तो पानी में तैरने के लिए नाव जैसी बॉडी होना जरूरी है। सो बॉडी इज बोट शेप्ड, बॉडी इज बोट शेप, ओके। बॉडी जो है वो बोट शेप्ड होती है। नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें स्ट्रीमलाइन, बोट शेप एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। नेक्स्ट, अब जो इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो इनका हेड, ट्रंक और टेल, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। नेक का पोर्शन नहीं होता है, आपने मछलियां देखी होंगी उनमें नेक का पोर्शन नहीं होता है, सिर्फ हेड होता है, ट्रंक होता है एंड टेल होता है, ओके। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, ट्रंक मींस हेड और टेल के बीच का जो पूरा इलोंगेटेड पोर्शन होता है, पूरा बॉडी पार्ट, दैट इज ट्रंक एंड टेल।
ओके, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है फिश की बॉडी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, एक बात तो सबको पता है कि ये एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखिए तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड। अब कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, एक्चुअली बहुत इजी है, सबको पता होता है, अपन ह्यूमंस जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कंडीशन और एनवायरनमेंट के आधार पर अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब हम अपनी बात करें तो ऐसा तो नहीं होता, हम वार्म ब्लडेड हैं तो हम अपना जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो अगर हमारा आउटर एनवायरनमेंट ठंडा भी है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस है या 50 डिग्री सेल्सियस है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो स्टेब्लिश ही रहता है, एक जगह रहता है, स्थित रहता है। पर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आउटर एनवायरनमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आउटर एनवायरनमेंट ठंडा है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ठंडा होगा, अगर आउटर एनवायरनमेंट गर्म है तो इनका बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, गर्म होगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, रेस्पायरेशन जो है वो गिल्स के द्वारा होता है इनके अंदर, क्योंकि एक्वेटिक है पानी के अंदर, रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है। ओके, रेस्पायरेशन बाय गिल्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो गिल्स जो है वो इनके 5 pairs ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 pairs ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। ओके, 5 pairs ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपन देखें तो इनके पास जो किडनी है वो मेसोलिफिक टाइप ऑफ किडनी होती है। ओके, किडनी इज मेसोनेफ्रिक टाइप एंड इनके अंदर यूरिनरी ब्लडर एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लडर नहीं होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। मोस्टली देखा जाए तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, इनमें भी सेम है, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एज वेल एज कहीं कहीं यूरिया भी पाया जाता है। ओके, तीन टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यहाँ पे इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो अमोनिया भी होगा एंड कुछ स्पीशीज में यूरिया भी होगा। सो मैं मिटाता हूं, सो द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया और यूरिया, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है। अगर अमोनिया सिक्रीट करेगा कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको अपन बोलेंगे अमोनोटेलिक, और अगर यूरिया सिक्रीट करेगा कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको अपन बोलेंगे यूरियोटेलिक। ओके, एंड थर्ड वन इज यूरिक एसिड, अगर वो कोई सिक्रीट करता है तो वो यूरिकोटेलिक होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखें तो हार्ट जो है इनका वो 2-chambered हार्ट होगा, हार्ट इज टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, और इनको हार्ट को अपन वेनस हार्ट बोलेंगे एंड कॉल्ड वेनस
टू चैम्बर्ड हार्ट होगा, अपन ने जैसे फोर चैम्बर्ड होता है, चार चैम्बर होते हैं ना, इनके पास सिर्फ दो ही चैम्बर होंगे हार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, दो चैम्बर्स में डिवाइडेड होगा हार्ट, और उनके हार्ट को अपन बोलेंगे वेनस हार्ट, क्योंकि इनका हार्ट वेनस हार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वो इनके अंदर नहीं होती, एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एब्सेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होती है। डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वहां अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट ये एम्ब्रियो का पोर्शन नहीं होता है, एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता है। आगे चलते हैं अपन, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी पाया जाता है और वो न्यूक्लिएटेड भी होता है। आरबीसी पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड होता है, आपको पता होगा कि ह्यूमन जो आरबीसी है जब वो मैच्योर होता है तो उसके अंदर से न्यूक्लियस चला जाता है। इसका रीजन ये होता है कि हमारा आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए सेल्स में जगह चाहिए। अगर सेल्स में न्यूक्लियस होगा तो वो बहुत सारा जगह कैप्चर कर लेगा और बहुत सारी एनर्जी भी ले लेगा, तो वो एनर्जी हम वेस्ट नहीं करना चाहते और अपने सेल में जगह भी रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई जो आरबीसी है ह्यूमंस में वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे पीसेस में जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाए जाएंगे फिशेज में, इनके फंक्शन में बताऊंगा आपको अभी। थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट, कहां पाए जाएंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ये जो है ये आपके ईयर्स में पाए जाते हैं। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ईयर के अंदर, सबसे इंटरनल ईयर जो है वहां पे कैनाल्स होंगे और ये हेल्प क्या करेंगे बैलेंसिंग में। आप देखना मछली जब तैरती होगी तो ऐसा नहीं होगा तैरते तैरते वो उल्टी हो जाएगी, वो सीधी तैरेगी ना, तो वो बैलेंसिंग में अगर मछली को ऐसे सीधा खड़ा रखोगे तो खड़ी थोड़ी रहेगी, तो पानी में अगर वो बैलेंस फॉर्म में तैर रही है तो उस बैलेंस के लिए उसको कहीं से तो सिग्नल आएगा, वो सिग्नल कहाँ से आता है, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये जो वाटर का मूवमेंट है उसको कैप्चर करते हैं और उसके आधार पर जो नर्वस सिस्टम है वो फॉलो करता है एक पाथ को कि हाँ भाई हमें सीधा चलना है। अब तो उसी हिसाब से ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है ये हेल्प किस में करता है फिश को, बैलेंसिंग में। जब फिश तैर रही है तो बैलेंस्ड फॉर्म में तैर रही है, वो तैरते तैरते ऐसा नहीं कि उल्टी हो जाए जैसे हमारे साथ होता है। अगर आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते होगे, आप पानी में जाओ एक साथ खड़ा हो देखना, एक साथ से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे, तो बैलेंस करने के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स है वो हेल्पफुल होते हैं फिशेज में। आगे अपन देखते हैं एग जो है इनके वो मेसोलिथिकल लेसिथल होते हैं या मेगा लेसिथल होते हैं, मेगा लेसिथल मैंने पहले बताया था, एक बार पहले मैंने पढ़ाया था माइक्रो लेसिथल, दैट मींस वैसे एग्स जिनके अंदर योक का अमाउंट कम होता है वो माइक्रो लेसिथल होते हैं,
जिनके अंदर लॉग का अमाउंट मीडियम होता है वो मेसोलेसिकल और बहुत ज्यादा होता है तो मेगालेसिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट का मीन्स ऐसा नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी और फॉर्म में पैदा होगा और एडल्टहुड आते 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 किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस फॉर्म में पैदा होगा उसी फॉर्म में वो ग्रो होगा, उसी फॉर्म में वो बड़ा होगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज नहीं आती यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन यहाँ पे देखें तो फिशेज यूनिसेक्सुअल होती है, यूनिसेक्सुअल मतलब कोई एक सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो मेल पर्टिकुलर या फीमेल। ओके, नेक्स्ट अपन देखें, अपन ने यहाँ पे एग्स की बात कर ली है, दैट मींस कि दे आर ओवीपेरस, अंडे देंगे, लिख लेते हैं अपन यहाँ पे ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म, ओवीपेरस होते हैं। और जो नई फिशेस पैदा होती हैं, न्यू बॉर्न फिशेस, उनको अपन फ्राई बोलते हैं, न्यू बॉर्न फिशेस, फिश फ्राई। ओके, आगे थोड़ा चलते हैं, नेक्स्ट सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इनके अंदर, फिश के अंदर माइग्रेशन पाया जाता है, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट। अब मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाने का, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वैसे ये भी ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करती है, माइग्रेट करती है। तो एक होता है कैटाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन और एक होता है एनाड्रोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन। कैटाडोमस टाइप ऑफ माइग्रेशन जो है वो ऐसा है जहां पे जो मछलियां हैं वो फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में जाएंगी, फ्रेश टू मैराइन, और एनाड्रोमस अपोजिट कर दो आप, दैट मींस मैराइन टू फ्रेश। फ्रेश मतलब मीठा पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, मैराइन मतलब समुद्री पानी जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा हो। तो फ्रेश से जब मैराइन में जाएंगी वो कैटाड्रोमस होगा, मीठे पानी से खारे पानी में, और एनाड्रोमस तब होगा जब वो खारे पानी से मीठे पानी में आएंगी। ये है फिश का माइग्रेशन। माइग्रेशन और इसके बाद फिश जो है उनको अपन जो ये सुपर क्लास पढ़ रहे हैं इनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब इनका जो डिवीजन है और इनकी जो क्लासिफिकेशन है तीन क्लास की वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार थॉरली देखना, ये जो भी आपको मैंने पढ़ाया है वो अपने कॉपी में जरूर नोट करना और उसको रिवाइज करना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज आप थम्स अप देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड वेरी मच, हैव अ नाइस डे।